बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज आप लोगों के लिए एक डिफरेंट सा वीडियो शूट कर रही हूँ। मैं आपको दिखाऊंगी अपनी शू कलेक्शन। अच्छा, शू कलेक्शन दिखाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेरे पास इस वक्त यही शूज़ हैं, इसके अलावा मेरे पास और कोई भी शू नहीं है और मैं बहुत सिंपल शूज़ वेयर करती हूँ। मुझे फैंसी शूज़ बिल्कुल नहीं पसंद। इवन जब हमारी फैमिलीज़ में, अव्वल तो हमारी फैमिली में शादियाँ बहुत कम होती हैं, लेकिन जब भी होती हैं तो मैं फैंसी शूज़ बिल्कुल नहीं पहनती। इवन शादियों पर भी मुझे बिल्कुल नहीं पसंद चमकीले भड़कीले शूज़ पहनना, और ना ही वो मेरे पास होते हैं। मैं शादियों पर भी ऐसे ही शूज़ लेती हूँ जो मैं किसी इवेंट पर, लाइक जैसे बर्थडे इवेंट्स होते हैं या कुछ और लाइक पार्टीज़ वगैरह होती हैं, मैं उन पर भी वेयर कर लूँ। अच्छा, इसमें से तकरीबन 8 से 10 शूज़ जो कि तकरीबन 3-3, 4-4 साल पुराने थे, वो मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही अपनी मेट्स को दे दिए हैं, तो वो बस इसमें से मिसिंग है। बाकी जो मेरे पास रह गए हैं वो अभी यही हैं। तो मेरी कलेक्शन में ना आपको सबसे ज़्यादा शूज़ जो मिलेंगे वो शू प्लैनेट के मिलेंगे। मुझे शू प्लैनेट के शूज़ बहुत 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 अच्छे लगते हैं, तो मेरी मैक्सिमम कलेक्शन जो है ना वो आपको शू प्लैनेट की ही मिलेगी। जिनके ऊपर रीवा लिखा हुआ होगा, आप लोग खुद समझ जाइएगा कि वो मेरे शूज़ जो हैं वो शू प्लैनेट के। मैं बेसिकली डिसेंट शूज़ पहनना ज़्यादा पसंद करती हूँ, तो वो चमकीले भड़कीले जो शूज़ हैं वो आपको मेरी कलेक्शन में नज़र नहीं आएंगे। आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको दिखाती हूँ और साथ साथ बताती भी जाती हूँ, उनकी प्राइस भी बताती हूँ और आपको शू ब्रांड भी बताती हूँ। हम आते हैं थोड़ा सा शूज़ की डिटेल की तरफ। और ये जो आप ये वाला शू देख रहे हैं, ये मेरा शू प्लैनेट का शू है और ये मैंने 6000 का लिया था। मैंने अपने भाई की शादी पर वेयर किया था ये, और आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल भी चमकीला भड़कीला नहीं है और मैं आराम से इसको किसी भी पार्टी पर, कोई मिलाद है, कोई हाई टी है, किसी की बर्थडे है, कुछ भी है, मैं आराम से वेयर कर सकती हूँ। अगर मैं आपको इसको सनलाइट में दिखाती तो इसमें बहुत ज़्यादा शाइन है, और ये मैंने रात के वक्त वेयर किया था। इसके साथ बिल्कुल इसी तरह सेम मेरा सूट था, इसी कलर में, और वो बारौक का सूट था। और रात को आपको पता है लाइटिंग वगैरह बहुत अच्छी होती है, तो ये शू बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा था, बहुत अच्छा था। और ये एक्चुअली मेरे वेजेस हैं, शू प्लैनेट का शू है और ये 6000 का शूज़ था। अच्छा, और उसके बाद आता है जी ये वाला, ये भी शू प्लैनेट का है और मैंने इसको इसके कलर की वजह से बाय किया था, मुझे इसका कलर बहुत प्यारा लगा था। ये 5500 का है। उसके बाद ये चप्पल, और ये मैंने समर्स में लिया था तकरीबन 2 साल पहले, और मैंने इसको इतना पहना है कि अभी ये थोड़ा सा साइड से ख़राब भी होने लग चुका है, लेकिन मैंने अभी तक इसको फेंका नहीं है क्योंकि ये वाइट जब मैं कपड़ी पहनती हूँ समर्स में तो उसके नीचे वेयर किया हुआ बहुत अच्छा लगता है कैजुअल वेयर करने में, तो मैंने इसको भी पहना नहीं है क्योंकि जब मैं पहनती हूँ तो साइड से ये सारा कुछ कवर हो जाता है, इतना पता नहीं चलता। पैसे मुफ्त के थोड़ी है कि मैं ज़ाया करूँ। ये 3500 का चप्पल था। उसके बाद आ जाते हैं जी ये लोफर्स, ये मस्टर्ड लोफर्स हैं, ये मैंने अलमास से लिए थे और ये 3500 के थे। उसके बाद ये पर्पल, आप इसको कह सकते हैं कोट शू, ये भी मैंने एक शादी के लिए बाय किया था, मेरी कज़न की शादी थी और उसमें मेरा पर्पल सूट था, तो मैंने पूरी मार्केट छान मारी थी पर्पल शू के लिए ना, तो ये फिर मुझे मेट्रो से ये पर्पल शू मिला था और मैं आपको इसको वेयर करके दिखाती हूँ। ये बहुत ही प्यारा लगता है, ये देखें, और इसकी ये हील है जो कि पहनने में भी बड़ी अच्छी है, इरिटेट नहीं करती। और उसके बाद ये ब्लू शू, आई लव 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 दिस शू, ये भी मैंने एक शादी के लिए बाय किया था। अब देखें, ये इस तरह का जूता है जिसमें शाइन भी है, मैं आपको थोड़ा सा क्लोज करके दिखाती हूँ, ये देखें, इसमें शाइन की शाइन है और कोई इतना चमकीला भड़कीला भी नहीं है। ये एक्चुअली नेट का है और ये देखें, ये सारी पीछे इसमें शाइन है। तो ये मेरा एक ब्लू सूट था, इसी कलर का था, उसके साथ मैंने बाय किया था और ये भी शू प्लैनेट का है। मैं आपको थोड़ा सा पहन के ये दिखाती हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि ये किस टाइप का है, ये देखें, और पीछे से ये ऐसे लगता है। ये 6000 का था। और उसके बाद जनाब, ये तो विंटर्स के लिए मैंने अलफता से लिया था, और ये एक जूता मैंने ECS से लिया था, और ये वही जूता था जो मैंने अपनी ज़िंदगी में ECS से लिया था। उसके बाद मैंने कभी ECS से जूता नहीं लिया, इनके जूते बहुत अजीब होते हैं, एक बार पहनो तो इतने खुल जाते हैं, जैसे आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा ये खुल गया है, और मैंने इसको हार्डली कोई 2-3 बार पहना है।
अच्छा उसके बाद आता है ये शो, बहुत ही डिसेंट, बहुत ही एलिगेंट, बहुत ही ये प्यारा शो है। मुझे अपना ये जूता इतना कोई पसंद है, ये देखिए मैं आपको इसकी थोड़ी सी लुक दिखाती हूँ, ये देखिए। और ये जूता भी मेरा शू प्लैनेट का है और ये आई थिंक 5000। अच्छा तो इसके बाद आता है ये वाला शू और इसका डिजाइन कुछ इस तरह से है और उसके नीचे भी हील और बहुत कंफर्टेबल हील है ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें। और ये भी मैंने अपने भाई की शादी के लिए बाय किया था और मेरा एक ब्राउन सूट था उसके साथ मैंने ये ब्राउन नहीं ग्रीनिश ब्राउन है एक्चुअली ये मैंने लिया था ECS से। और उसके बाद माई फेवरेट वन, अब आप देख रहे हैं इसमें कितनी शाइन है, ये मैंने शू प्लैनेट से, ये तो अभी मैंने 2 months पहले ही बाय किया है, मेरी कज़न की शादी थी उसके लिए मैंने बाय किया था। और ये इसकी बड़ी स्लीक सी हील है, आप लोग देख ही रहे होंगे, ये 5500 का जूता था। उसके बाद ये आ जाता है जी, ये भी बड़ा स्टाइलिश सा जूता है और इसको मैं समर्स में वेयर करती हूँ, ये मेरा आउटफिटर्स का जूता है और मुझे इसका कलर बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद ये लेदर का चप्पल आ जाता है, मैं आपको थोड़ा सा ये लेदर के चप्पल भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और गर्मियों में पाँव में बहुत अच्छे लगते हैं, ये लेदर का चप्पल। अच्छा ये जो आउटफिटर का है ये 3500 का था, ये लेदर का चप्पल 1000 का था। उसके बाद ये खुस्सा जो कि मैंने लिबर्टी से लिया था, ये चप्पल भी मैंने लिबर्टी से लिया था, ये खुस्सा भी 1000 का था। और उसके बाद ये शू, ये मैंने लिया था शू प्लैनेट से और ये बहुत खूबसूरत जूता है और ये भी मैं समर्स में वेयर करती हूँ और इसके ऊपर स्टोन्स जो लगे हुए हैं ना, आहा इतने कोई मज़े के हैं ना, ये देखें। ये जूता जी शू प्लैनेट का है और ये 5000 का था। और उसके बाद ये खुस्सा, ये भी मैंने लिबर्टी से बाय किया था और ये भी सिर्फ 1000 का था। तो ये थी जनाब मेरी शू कलेक्शन जो ऑनेस्टली जितनी थी जैसी थी मैंने आपको दिखा दी और इस वीडियो को बनाने के लिए मेरी बहुत एफर्ट लगी है। तो मैं थोड़ा सा एक्सपेक्ट आप लोगों से ये कर रही हूँ कि अगर वीडियो अच्छी लग गई आपको तो प्लीज़ इस बार लाइक किए बगैर और कमेंट किए बगैर नहीं जाइएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मुझे दें इजाज़त नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।